In your unit number 1, other story is given. It is Haldi's Adventure. It is name of a girl. So here she is given and her name is Haldi. What is her name? Haldi. And she has done something interesting. It is called adventure. जब भी आप कोई interesting thing करते हो ना, जैसे साहस वाली things, बिना डरे आप कुछ करते हो, it is called adventure. So the name of the story is Haldi's Adventure. So we have to read the story. Okay? Again I am telling. What you have to do? You have to read with me. So are you all ready? Let's read. One morning, as Haldi walked to school, she met a giraffe. What happened? In the morning, one day she walked to school. वो school जा रही थी चल के. She met a giraffe. वो एक giraffe को मिली. The giraffe wore big glasses. Can you see this glasses? Glasses means this chashma. Big glasses. And held a book in his hand. और उसके हाथ में क्या था? एक book थी. आपने कभी ऐसा देखा है? जैसे ये जिराफ या कोई एनिमल जो जिसके हाथ में ऐसे जो बुक लेते हैं और ऐसे ग्लासेस पहनते हैं, बट ये हल्दी ने उसको देखा कि उसके हाथ में एक बुक है. हेल्ड अ बुक इन हिज हैंड एंड ग्लासेस. ही स्माइल्ड एंड सेड. ही स्माइल्ड मींस हु स्माइल्ड? जिराफ. जिराफ ने स्माइल किया और बोला. एंड सेड मींस बोलना. गुड मॉर्निंग हल्दी. उसने क्या बोला? गुड मॉर्निंग हल्दी. अरे एनिमल ऐसा बोल सकता है? नो वी कैन नॉट. राइट? वी कैन नॉट लिसन द वॉइस. बट हमको पता ही नहीं चलता. जैसे डॉग बाव बाव करता है तो आपको पता चलता है कि डॉग क्या बोल रहा है? नहीं. बट ये जिराफ ने तो हल्दी को क्या बोला? गुड मॉर्निंग हल्दी. फिर क्या हुआ? हल्दी लुक्ड अप एट हिम. हल्दी ने उसके सामने देखा. I am sorry to stare. आपने stare का मीनिंग तो पता ही है ना. जैसे हमने पहले देखा था staring मतलब घूरना. तो हल्दी ने भी ऐसा कोई एनिमल कभी देखा ही नहीं था कि जिसने ग्लासेस पहने हो, जिसके हाथ में बुक हो. तो हल्दी उसको देख के उसके सामने ऐसे घूरने लगी. फिर क्या बोला? I am sorry for that. She said, but I have never met a giraffe like you. उसने बोला कि sorry कि मैं आप को स्टेयर कर रही थी. बट आई हैव नेवर मेट. बट मैंने ऐसे कभी कोई जिराफ को देखा ही नहीं है. फिर माय नेम इज स्माइली सेड द जिराफ. जिराफ ने क्या बोला? माय नेम इज स्माइली. नाउ अंडरस्टैंड ये जिराफ का नाम क्या है? स्माइली. व्हेनेवर यू सी मी यू विल स्माइल. मतलब कि तुम मुझे जब भी देखोगी तो हंसोगी, मींस स्माइल करोगी. राइट? हल्दी वॉज सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू. हल्दी तो सरप्राइज हो गई और हैप्पी भी हो गई. उसके बाद क्या हुआ? देन शी रिमेम्बर्ड. फिर उसको कुछ याद आया. क्या याद आया? लेट्स सी. देन शी रिमेम्बर्ड दैट शी वुड बी लेट फॉर स्कूल. उसको याद आया कि वो तो स्कूल के लिए लेट होगी. सो शी सेड टू द जिराफ. तो उसने जिराफ को बोला, आई वुड लव टू टॉक टू यू. उसने क्या बोला? आई वुड लव टू टॉक टू यू. मतलब मुझे आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है. बट आई मस्ट रश टू स्कूल. बट मस्ट मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा. मुझे स्कूल जल्दी जाना पड़ेगा. और आई विल बी लेट. अदरवाइज मैं लेट हो जाऊंगी. वरना मैं क्या हो जाऊंगी? लेट हो जाऊंगी. इसलिए मुझे तो जल्दी जाना ही पड़ेगा. राइट? उसके बाद क्या हुआ पता है? द जिराफ सेड, नॉट इफ यू राइड ऑन माई बैक. जिराफ ने क्या बोला? तुम मेरी बैक पे राइड नहीं कर सकती क्या? इफ यू क्लाइम ऑन माई बैक. अगर तुम मेरी बैक मतलब उसकी पीठ. राइट? इफ यू क्लाइम्ड ऑन माई बैक. अगर तुम मेरी बैक पे क्लाइम करोगी. क्लाइम मीन्स चढ़ना.
What is the meaning of climb? चढ़ना. I will run so fast. मैं तो जल्दी से fast दौड़ूंगा. That you will feel. तो तुम्हें क्या लगेगा? You are flying to school. तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम स्कूल जाने में fly कर रहे हो. Wow, कितना मजा आएगा, right? आप कभी गए हो फ्लाइंग करके स्कूल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. बट हल्दी, हल्दी क्या करेगी? वो तो फ्लाई करके स्कूल जाएगी, बिकॉज जिराफ की पीठ पे बैठेगी, राइट? डू यू गो टू स्कूल एवरी डे? फिर उसने पूछा कि तुम क्या डेली स्कूल जाती हो? एवरी डे का मतलब क्या होता है? हर रोज, राइट? तो हल्दी ने क्या आंसर दिया? यस, सेड हल्दी, आई गो टू स्कूल ऑन मंडेज, ट्यूजडेज, वेंसडेज, थर्सडेज एंड फ्राइडेज, राइट? ऑन सैटरडे आई प्ले गेम्स एट स्कूल. मीन्स हल्दी गो टू स्कूल एवरी डे एंड ऑन सैटरडे व्हाट डू दे डू? प्ले गेम्स एट स्कूल मीन्स सैटरडे गेम्स पीरियड एंड स्टडी ऑन मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ओके एंड सैटरडे इट्स गेम्स पीरियड, राइट? डू यू लाइक टू प्ले गेम्स? वी ऑल लाइक टू प्ले गेम्स, राइट? सो आफ्टर दैट व्हाट हैपन? डू यू नो व्हाट डू यू डू इन स्कूल? अब तो स्कूल में क्या करते हो, ऐसा किसने पूछा? आस्क द जिराफ. व्हाट डू यू डू इन स्कूल? स्कूल में क्या करते हो, जिराफ ने पूछा. तो हल्दी ने क्या आंसर दिया, पता है आपको? I learn about the stars. Wow, stars के बारे में learn करते हैं. The trees, the birds and the animals. हम school में क्या करते हैं, study करते हैं ना, जैसे different different birds, animals, trees, right? तो हल्दी ने क्या answer दिया? I learn about the stars, the trees, the birds and the animals. ये सब के बारे में हम learn करते हैं, right? And After that, giraffe said, "That is good," said the giraffe. "I love books too." Giraffe ने क्या बोला? It is very good. I love books too. मुझे भी book बहुत पसंद है. अब आपको लगता है कि giraffe read कर सकता है? They are lots of fun. Book read करके हमें बहुत मजा आता है, right? Now jump on my back. अब giraffe ने हल्दी को बोला, Now come on my back. I will take you to school. मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा. फिर क्या हुआ? हल्दी then jumped on the giraffe's back. उसके बाद हल्दी jump में मतलब उसने ऐसे कूदा, right? हल्दी then jumped on the giraffe's back. वो तो जिराफ की पीठ पे बैठ गई and found that She could see so many things from the top. मतलब जिराफ तो कितना ऊंचा होता है, right? अगर हम उसकी बैक पे बैठेंगे तो हम भी इतने ऊंचे जाएंगे, तो हमें बहुत सारी थिंग्स मिलेगी देखने के लिए, right? So she could see so many things from the top. वो बहुत सारी थिंग्स ऐसे ऊपर से देख सकती थी. And before she knew it, she had reached the school. और वो जानने की कोशिश करे, उससे पहले ही वो कहाँ पहुंच गई? Reach means पहुंचना. वो स्कूल पहुंच गई, right? मतलब आप इमेजिन करो कि जिराफ कितना फास्ट दौड़ा होगा, right? जैसे वो टॉप पे बैठी, सब थिंग्स देखने की ट्राई कर रही थी और वो तो सीधे स्कूल पहुंच गई. Reach at the school playground. She climbed down, मतलब नीचे उतरना, and climbed up, अगर यहाँ पे up होता तो ऊपर चढ़ना, and climbed down means नीचे उतरना. When she turned back, फिर क्या हुआ, जैसे ही वो नीचे उतरी और उसने ऐसे turn किया to thank the giraffe, giraffe को thank you भी तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि हल्दी की उसने help की, तो उसने उतर के ऐसे turn, मुड़ी giraffe के सामने, तो क्या हुआ पता है? She found that he had gone away. जैसे ही वो टर्न हुई तो जिराफ वहां पे था ही नहीं, वो चला गया था. Oh, हल्दी thought. हल्दी ने क्या बोला? Oh, what a wonderful adventure I have had.
मींस कितना वंडरफुल एडवेंचर था कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, राइट? एंड सो डू यू लाइक दिस स्टोरी? यू हैव टू रीड दिस स्टोरी, ओके? एंड हियर सम न्यू वर्ड्स आर गिवन. सी एंड रीड द वर्ड्स. विच वर्ड इज दिस? GIRAFFE, जिराफ, राइट? एंड विच वर्ड इज दिस? SURPRISED, इट इज सरप्राइज. एंड इट इज, विच स्पेलिंग इज दिस? ADVENTURE, इट इज एडवेंचर. WONDERFUL, इट इज वंडरफुल. एंड PLAYGROUND, इट इज प्ले ग्राउंड, राइट? सो दीज आर न्यू वर्ड्स एंड यू हैव टू राइट एंड लर्न दीज वर्ड्स.